नॉर्थ ईस्ट एटीएस टीम को हर्ष बिहार पुलिस ने सलमान की हत्या की गुत्थी को सुलझाया। दो नाबालिग सहित तीन पकड़े, एक नाबालिग अब भी फरार है। लूटा हुआ फोन, खून से सना चाकू, खून से सने कपड़े बरामद। देखें अतीक मलिक की यह खास रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट जिले के डीसीपी डॉक्टर जॉय नेथानील तिर्की ने बताया, हत्या की वजह लूट है। अभिषेक ठाकुर और उसके तीन अन्य नाबालिग साथियों ने मृतक सलमान को शमशान घर मंडोली के पास एक सुनसान जगह पर रोक लिया। उन्होंने उसे लूट की कोशिश की, जब उसने विरोध किया तो एक आरोपी ने पीड़ित को पीछे से पकड़ लिया, जबकि अभिषेक ठाकुर ने उस पर कई बार चाकू से वार किया। उन्होंने मृतक से उसका फोन और कुछ नकदी लगभग 500 रुपए लूट लिए और मौके से भाग गए। हत्या करने के बाद ऑटो लेकर नरेला पहुंचे, जहां वह एक रिश्तेदार के घर सो गए। अभिषेक ठाकुर ने लूटा गया फोन एक अनजान खरीदार को 1600 रुपए में बेच दिया था। मृतक सलमान मीत नगर फाटक ज्योति नगर के पास पानी की रेड़ी चलाता था। रात करीब 10:30 बजे उसकी माँ से भी बात हुई थी, इसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो सका। पुलिस को मृतक का फोन और कुछ नकदी गायब मिली थी। उनकी पत्नी और बेटा गाँव में रहते हैं। पुलिस द्वारा इनके चौथे साथी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि नाबालिग है। खून से सना हुआ चाकू, खून से सने हुए कपड़े और लूटा गया फोन बरामद कर लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। अतीक मलिक की खास रिपोर्ट। तो यार थाने में एक तारीख की सवेरे 7 बजे के आसपास ये कॉल हुई थी कि एक डेड बॉडी पड़ी है। मौके पे हम लोग पहुंचे तो देखा कि एक 25-26 साल का युवक था, उसके पेट में काफी सारे चाकू लगे हुए थे। तो थोड़ा समय लगा उसको आइडेंटिफाई करने में, तो आइडेंटिफाई हुआ वो सलमान नाम का लड़का, 25 साल का, पानी की रेडी लगाता था। तो एकदम ही ब्लाइंड मर्डर था। जो स्पॉट था वहाँ पे हमें किसी तरह का सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। तो पता लगा कि 31 तारीख को रात में 10:30 बजे आखिरी बार उसकी अपनी माँ से बात हुई थी। माँ ने यही बोला था कि वो रोज इसी टाइम आता था, आके उस दिन थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था किसी काम से और फिर वापस लौट के नहीं आए। और उसका फोन उसके जेब में था, कुछ पैसे थे उसके जेब में, वो दोनों हमें मिले नहीं। हमें शुरू से ही लग रहा था कि इसमें रॉबरी मोटिव हो सकता है, बिकॉज वो थोड़ा लोनली स्ट्रेच है। तो इसमें टीम ने बहुत मेहनत किया, कम से कम 50 सीसीटीवी कैमरा चेक किए। तो उसमें हमें चार लड़के, उनमें से दो ने कैप लगा रखी है, आते हुए दिखते हैं उस तरफ, और फिर वो उस स्पॉट पर नहीं दिखते, फिर वहाँ से जाते हुए दिखते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग इन्होंने आगे पीछे ट्रैक करके कि किस तरफ से आए और किस तरफ गए, तो हमारी टीम ने, जो थाने का टीम है हमारी क्राफ्ट टीम, इंस्पेक्टर बलराम है SHO और जो मेरी ATS है इंस्पेक्टर विनोद है, इन दोनों की टीम ने मिलके बहुत मेहनत, अथक प्रयास जिसको बोलते हैं, उसके साथ टायरलेस एफर्ट, और कल जाके 2:30 बजे उन्होंने पहली गिरफ्तारी डाली है। और इसमें अभी हमें 3 मिले हैं 4 में से, और इंसिडेंटली जो 4 में से 3 माइनर हैं, एक उनमें 21 साल का लड़का है जो अभिषेक है, इंसिडेंटली चाकू भी उसे नहीं चलाया था। तो जो फ़ोन छीना हुआ था वो हमें मिल गया है, जो खून से सने कपड़े थे वो मिल गए हैं, और जो उन्होंने उस समय कपड़े पहने हुए थे वो भी रिकवर हो गया है, और फ़ोन मिल गया हमें। चाकू मैंने बताया था आपको, चाकू भी खून से सना हुआ मिल गया। और कल मैं उनसे इंटरोगेट करके आया था शाम को, तो फिर उन्होंने बताया कि वो चारों जा रहे थे और ये अकेला उनको मिल गया, उन्होंने रॉबरी करने की कोशिश की, जब उसने थोड़ा रेजिस्ट किया तो उन्होंने उसके ऊपर वार कर दिया। तो अभी केस वर्कआउट हो गया है, एक इसमें अभियुक्त भी बाकी है, उसको ढूंढ रहे हैं, जल्दी उसको भी ढूंढ लेंगे।